हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं। जीआईबी का एलआरएबी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग एलसी एंड इट्स पार्टीज का। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है वो समझते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट जो होगा एश्योर्ड पेमेंट करेगा, यानी पक्का पेमेंट आपको दिलवाएगा और पूरी दुनिया भर में यूज होता है, वाइडली यूज होता है, खास करके बिजनेस कम्युनिटी में जो बिजनेस करते हैं और वो देश विदेश में करते हैं, जैसे इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से चाइना, इंडिया से अमेरिका, लाइक डेट। और लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होगा, यहाँ पे बैंक जो होता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे आप एक्सपोर्टर हो चाहे आप इम्पोर्टर हो, तो प्रॉमिस करता है कि पैसा आप सेलर को देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेटर ऑफ क्रेडिट में एक तरह के प्रॉमिस होता है जहाँ बैंक ये वादा करती है कि सेलर को पैसा हम देंगे, मतलब खरीदार की जगह बैंक देगी पैसा। अगर पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया जाएगा जो बैंक को रिक्वायरमेंट है तो सेलर को पैसा मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो पहला हो गया एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है, बायर या फिर इम्पोर्टर। एप्लीकेंट कौन होगा, बायर। बायर का मतलब हो गया इम्पोर्टर, जो खरीदार है यानी इम्पोर्टर है, बायर है। तो क्या करता है, बेसिकली वो गुड्स को खरीदता है यानी बोरोवर होता है, वो इशुइंग बैंक का क्या है, बोरोवर। तो एप्लीकेंट जो होता है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है, जो एप्लीकेंट है जो सामान भेजेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। कैसे देंगे, जब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिखाएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट जब आप डिलीवर होगा। ठीक है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जो बायर और बेनिफिशियरी के बीच में होगा। फिर इशुइंग बैंक। इशुइंग बैंक कौन सा बैंक होता है, बायर का बैंक यानी इम्पोर्टर का बैंक, खरीदार का बैंक। ठीक है, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट देता है आपको, बायर को या फिर इम्पोर्टर को, और वो लायबल होता है पेमेंट करने पर एक बार जब डॉक्यूमेंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से रिसीव हो जाएगा तो पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। जो भी नॉमिनेटेड बैंक है या फिर नेगोशिएटिंग बैंक है, पैसा किसको रिलीज होगा, नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक को, भले ही कोई भी फैक्ट हो, चाहे यहाँ पे आप एबल है रिकवर करने के लिए पेमेंट एप्लीकेंट से या फिर नहीं। और यहाँ पे 5 दिन दिया जाता है इशुइंग बैंक को, ठीक है, कि वो चेक कर ले डॉक्यूमेंट्स को। फिर देखिए एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक होता है इशुइंग बैंक ब्रांच या क्रॉस्पॉन्डेंट इन एक्सपोर्टर कंट्री। एडवाइजिंग बैंक कौन सा बैंक है, जो इशुइंग बैंक को इशू करती है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपोर्टर कंट्री का क्रॉस्पॉन्डेंट बैंक होता है जहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट को भेजा जाता है ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए, पैसा को क्रेडिट करने के लिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में या फिर सेलर के अकाउंट में। एक बार ऑथेंटिकेशन कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जेन्युइन बायर है, ठीक है, और ये जेन्युइन क्रेडिट आ रही है, ठीक है, अगर यहां पर अनेबल हो जाता है, वेरीफाई नहीं कर पाती ऑथेंटिसिटी, बैंक मान लीजिए जो एडवाइजिंग बैंक है वेरीफाई नहीं कर पाती ऑथेंटिसिटी, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भेजेगा ओपनिंग बैंक। ओपनिंग बैंक कौन सा हो गया, इम्पोर्टर का बैंक हो गया, यानी उसका क्या बोलते हैं, बायर बैंक हो गया। ठीक है, और उसको एडवाइज करेगी लेटर ऑफ क्रेडिट को बिना कोई लायबिलिटी के अपने पार्ट से, यानी एडवाइजिंग बैंक के ऊपर किसी भी तरह कोई लायबिलिटी नहीं होता है, बैंक के पास कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होता है नेगोशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे बैंक कोई नेगोशिएट नहीं करती एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, फिर आइए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बेसिकली उसको हम बोलते हैं, उस पार्टी को बोलेंगे या उस आदमी को बोलेंगे जिसको कि पैसा मिलना है यानी क्रेडिट करना है। बेसिकली वो सेलर होता है या फिर सप्लायर होता है या फिर एक्सपोर्टर होता है। तो पेमेंट उसको तब मिलता है जब वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है इस पर एलसी नॉर्म्स, जो एलसी का नॉमिनेशन, जो भी एलसी का रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके हिसाब से दोनों ने एग्रीमेंट किया होगा, बायर और सेलर ने। ठीक है, जो भी नॉमिनेटेड बैंक है उसके हिसाब से किया जाता है। और यहाँ पे जो वैलिडिटी होती है नेगोशिएशन का वो मैक्सिमम 21 दिन होता है जिस दिन से शिपमेंट हो जाता है। अब भाई नेगोशिएटिंग बैंक, ये वो बैंक होता है जहां पे बेनिफिशियरी प्रेजेंट करता है अपना डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन के लिए। और यहाँ पे मतलब कौन सा नेगोशिएटिंग बैंक है, नेगोशिएटिंग बैंक वो बैंक है जहां बेनिफिशियरी मतलब हो गया सेलर, एक्सपोर्टर। ठीक है, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं नेगोशिएशन के लिए और यहाँ पे क्लेम किया जाता है पेमेंट का, जो रिइंबर्सिंग बैंक होगी या फिर ओपनिंग बैंक होगी, और 5 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। और यहाँ पे 5 दिन मिलता है कि डॉक्यूमेंट को आपको चेक करने के लिए। रिइंबर्सिंग बैंक, यहाँ पे थर्ड बैंक होता है। रिइंबर्सिंग बैंक का मतलब क्या, थर्ड बैंक है
जो कि रिपे करता है, सेटल करता है फंड को, जो भी नेगोशिएटिंग बैंक का है, जब वो रिक्वेस्ट करता है उसका प्रिंसिपल, जो उसका प्रिंसिपल वो रिक्वेस्ट करता है, जिसको मैं जो कि इशुइंग बैंक होता है, इशुइंग बैंक के रिक्वेस्ट पे रिवर्सिंग बैंक काम करेगा, समझ गए। कंफर्मिंग बैंक ये वो बैंक होता है जो कंफर्म करता है कि हाँ क्रेडिट या फिर पैसा ऐड हो गया है, और अंडरटेक करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पेमेंट कराने का इशुइंग बैंक का, और क्या लेती है, अंडरटेक करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम पेमेंट कराएंगे जो भी इशुइंग बैंक का है, और या फिर उसका फेलियर होने पे कंफर्मिंग बैंक पे करेगा। अब फेलियर हो गया अगर इशुइंग बैंक पेमेंट करने में, तो कंफर्मिंग बैंक पेमेंट कर देगा। तो ये कंफर्मेशन एक तरीके का ऐड किया जाता है जब रिक्वेस्ट किया जाता है ओपनिंग बैंक के द्वारा। एक मेगा ऑफर जो कि वैलिड लिमिटेड पीरियड तक टिल 16 अगस्त 2018 तक। आप हमारे कोई भी जेबी सेबी का कोर्सेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑनलाइन लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद से आप सारा सारा वीडियो लेक्चर कोर्स कर सकते हो, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हो, 2007 का क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, क्विक रिविजन नोट्स रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेबी सेबी या फिर बैंक प्रमोशन का पेपर खरीदते हो जिसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में 600 रुपये रहेगा, और जेबी का कॉम्बो पैक खरीद सकते हो, इन्फिनी पेपर खरीद सकते हो जिसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस 1500 रुपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हो यानी एबीएम प्लस बीएफएम जिसके दाम है 3500 रुपीज, ऑफर प्राइस में 1100 रुपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हो जिसके दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस 1500 रुपये रहेगा। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज, और कॉमो पैक लेते हैं मॉक टेस्ट का दाम है 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट www.jibcabcdmail.com हो गया, ईमेल आईडी हो गया cdcnum123@gmail.com।